यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद द्वारा 2021 सेशन के लिए पीएचडी के एडमिशन निकाले गए हैं। दोस्तों जो भी छात्र इच्छुक हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा कि कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कितने फ़ी लिए जा रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगी और कौन कौन विषय में कितने सीटें हैं, डिटेल में बताऊँगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि CRET का एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड में सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में आपके सेंटर होंगे और यहीं पर आकर जो है आपको एग्ज़ाम देने होंगे। ध्यान रखना है CRET का एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होंगे और प्रयागराज में ही सभी के सेंटर होंगे। दोस्तों अगर मैं कैटेगरी वाइज जो है फ़ी की बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में OBC या EWS सभी को 1600 रुपये लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के और SC ST PH कैंडिडेट के लिए 800 रुपये जो है देने होंगे। शेड्यूल की बात करें तो कब से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होंगे तो 24 अप्रैल 2022 से आप सभी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट जो है वो है 16 मई 2022 और आपके जो एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे वो 21 मई 2022। तो ध्यान रखना है ये सभी डेट को, लास्ट डेट जो है 16 मई 2022 है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि आपके डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट जो है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो छात्र जनरल कैटेगरी से हैं पोस्ट ग्रेजुएट में मिनिमम जो है 55% मार्क्स होने चाहिए और जो छात्र OBC SC ST दिव्यांगजन हैं उन्हें मिनिमम जो है पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क्स होने चाहिए, वही सभी छात्र जो हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एग्ज़ाम की बात करूं कि CRET के एग्ज़ाम किस प्रकार से होंगे तो यहां पर लिखा गया है कि CRET के एग्ज़ाम जो है टेस्ट विल बी 2 पेपर के कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और सेकेंड पेपर जो है सब्जेक्टिव टाइप के जो है क्वेश्चन होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं लेवल 1 में दिया गया है पेपर 1 में 100 मार्क्स और पेपर 2 में 200 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर में 50 होंगे और सेकेंड पेपर में 3 होंगे। फर्स्ट पेपर में 30 मिनट्स दिए जाएंगे और सेकेंड पेपर में जो है 120 मिनट्स आप सभी को दिए जाएंगे। ध्यान रखना है पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जो छात्र जनरल EWS कैटेगरी से आते हैं उन्हें 300 मार्क्स में 150 मार्क्स जो है लाने कंपलसरी है, तभी जाकर आगे कंसीडर किया जाएगा। और जो छात्र OBC हैं SC ST दिव्यांगजन कैटेगरी से आते हैं वे सभी छात्र को मिनिमम जो है 135 मार्क्स लाने होंगे, तभी जाकर उन्हें कंसीडर आगे किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी इस आधार पर बनाई जाएगी, CRET के जो है वेटेज 70% हैं और 30% मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू के हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हाई स्कूल के मैक्सिमम मार्क्स जो हैं 2 हैं, इंटरमीडिएट के 3 हैं, अंडर ग्रेजुएट के 5 हैं। उसके साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के जो मार्क्स दिए गए हैं वो 10 मार्क्स दिए गए हैं। नेशनल लेवल टेस्ट अगर आप नेट JRF क्वालिफाइड हैं तो मैक्सिमम 5 मार्क्स जो हैं दिए जाएंगे। CRET टेस्ट मार्क्स 35 हैं, इंटरव्यू जो है 15 और टोटल मार्क्स जो हैं 75 जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि अगर आपके हाई स्कूल में लेस देन 50% मार्क्स है तो 0 नंबर मिलेंगे, मोर देन 50% बट लेस देन 60% मार्क्स हैं तो 1 नंबर मिलेंगे और मोर देन 60% मार्क्स हैं तो 2 नंबर दिए जाएंगे। तो उसी आधार पर आप सारे जो हैं एकेडमिक डिग्री के मार्क्स यहाँ पर निर्धारित की गई है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि किस विषय में कितने सीटें आई हुई हैं वो मैं आप सभी को बता दूं। तो आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं टोटल जो है 45 सब्जेक्ट मिलाकर 600 अधिक सीटें हैं। तो आप यहां पर कुछ मैं प्रमुख सब्जेक्ट के बारे में बता दूं जिसमें अधिक सीटें आई हुई, तो एंशियन हिस्ट्री में जो है 30 सीटें आई हुई हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं बोटनी में जो है, बोटनी में 40 सीटें आई हुई है, केमिस्ट्री में 62 सीटें आई हुई है, कॉमर्स में जो है 45 सीटें आई हुई है, कंप्यूटर साइंस में 12 सीटें आई हुई है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हैं एजुकेशन में जो है 35 सीटें आई हुई है, इंग्लिश में 31 सीटें आई हुई है। यहां पर आप सभी सब्जेक्ट के जो हैं देख सकते हैं कि कितने सीटें आई हुई है। हिंदी में जो है 38 सीटें आई हुई है, लॉ में जो है 28, मैथमेटिक्स में 4, इसके अलावा जो है
फिलोसफी में जो है 10 सीटें आई हुई हैं, पॉलिटिकल साइंस में 39 सीटें आई हुई हैं, संस्कृत में जो है 15 सीटें आई हुई हैं, सोशोलॉजी में 24 सीटें आई हुई हैं। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जूलॉजी में जो है 31 सीटें आई हुई हैं। तो दोस्तों ये कुल जो है 45 सब्जेक्ट मिलाकर 550 से अधिक सीटें जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई हुई है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जो भी छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि आप सभी जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। आप ज़रूर अप्लाई करें और आवेदन करें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जो भी चाहते हैं पीएचडी करना ज़रूर अप्लाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।